तो दोस्तों भारत के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है, और जो देश कल तक भारत को ब्लैकमेल कर रहे थे आज उन देशों को 24 घंटे के अंदर ही जबरदस्त झटका लगा है। दरअसल आप सभी को पता है कि कल ब्रिटेन ने एक तरफा ऐलान कर दिया था कि जो भी देश अब रूस से कच्चा तेल लेगा उसको G7 कंट्रीज के ऑयल प्राइस कैप के अंतर्गत ही कच्चा तेल लेना पड़ेगा, अन्यथा हम अपने जहाजों को उन देशों को नहीं देंगे। और भारत के लिए यह घोषणा सबसे बड़ी मुश्किल चुकी थी, और ब्रिटेन के इस प्रकार के ऐलान को मात्र 24 घंटे ही हुए थे कि भारत की मदद के लिए भारत का मित्र UAE और इसके अलावा इराक मैदान में उतर आए हैं। और आप सभी को तो पता ही है कि 5 दिसंबर के बाद से भारत चाहकर भी रूस से कच्चा तेल नहीं ले पाएगा, तो ऐसे में हमारे मित्र UAE और इसके अलावा इराक ने कहा है कि हमें मालूम है कि G7 कंट्रीज के प्रतिबंधों के बाद आप रूस से कच्चा तेल नहीं ले पाएंगे, तो जिस प्रकार से रूस आपको कच्चे तेल के अंदर डिस्काउंट दे रहा था उसी प्रकार का डिस्काउंट हम आपको देंगे, आप रूस की बजाय हमसे तेल खरीद लेना। और दोस्तों यह जो ऐलान है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यदि रूस से हम कच्चा तेल नहीं ले पाए तो भारत को प्रतिदिन के हिसाब से 10 लाख बैरल कच्चे तेल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ऐसे में UAE और इराक ने जब भारत को भारी भरकम डिस्काउंट का ऑफर दिया है तो भारत अपने कच्चे तेल को लेकर UAE और इराक के साथ अपनी डील कर सकता है, और इससे होगा क्या कि भारत को कच्चे तेल की खरीदी के अंदर ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे और रूस की बजाय हम UAE और इराक से बड़ी ही आसानी से सस्ते दामों में कच्चा तेल ले लेंगे। मैं से आप सभी को बता दूं कि सितंबर महीने के अंतर्गत इराक ने भारत को रूस से भी सस्ते दामों के अंदर कच्चा तेल दिया था। सितंबर में रूस ने हमें करीब $112 प्रति बैरल कच्चा तेल दिया था, तो वहीं पर इराक ने हमें $107 प्रति बैरल के हिसाब से कच्चा तेल सप्लाई किया था। और इस प्रकार से जब भारत की मदद के लिए UAE और इराक खड़े हो गए हैं तो भारत की जो चिंता थी कि रशिया का कच्चा तेल यदि हम नहीं ले पाए तो हम क्या करेंगे, अब यह चिंता दूर हो चुकी है। फिलहाल मैं आप सभी की इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और UAE और इराक जैसे देशों ने भारत की दोस्ती के लिए किया है उसके ऊपर आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में। फिर आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।